तो तीसरा उदाहरण इस प्रकार है जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हांडी में अब हम यह माने कि एन गेंदे हैं यहाँ पे अंग्रेजी में एन स्मॉल एन से इंगित है जिसमें कि एक गेंद विशेष है गेंदे देखने में सब एक जैसी हैं लेकिन कोई एक गेंद विशेष है यदि हांडी में से के गेंदे एक एक करके इस प्रकार निकाली जाती हैं कि हर एक चुनाव उस समय बची हुई गेंदों के लिए संभावी है तब विशेष गेंद के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी तो जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक हांडी में इन गेंदे हैं लेकिन इन गेंदों में कोई एक गेंद विशेष है लेकिन हमें वो विशेष गेंद छूने से पता नहीं चलेगी इसलिए हम जब चुनेंगे तो हमारे अगर हम उसमें से कई गेंदे चुनते हैं तो हम हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो विशेष गेंद चुनी जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी प्रायिकता क्या होगी तो चलिए इस प्रश्न का हल निकालें सो so, हम मान लेते हैं कि ए आई उस घटना को दर्शाता है जब विशेष गेंद आईवी गेंद के रूप में चुनी जाती है जहां आई का मान एक से लेकर के तक होता है जैसा कि प्रश्न में बताया गया है हांडी में से के गेंदे निकाली जाती हैं तो विशेष गेंद का चुनाव पहली गेंद के रूप में हो सकता है दूसरी के रूप में हो सकता है इसी तरह वह के स्थान पर भी आ सकती है तो ए आई उस घटना को दर्शा रहा है कि विशेष गेंद चुनी जाती है वह आई स्थान पर वह एक घटना है और चूंकि हमने के गेंदे चुनना है तो विशेष गेंद के विभिन्न जो घटनाएं हो सकती हैं वो एक से लेके के वे गेंद के रूप में चुने जाने के बराबर हो सकती है चूँकि एन गेंद में से कोई भी गेंद आई गेंद होने के लिए समसंभाव्य है चूँकि गेंदे हमने हांडी में से निकालनी है और हांडी में हम बिना देखे गेंदे को निकालेंगे तो हमें जब गेंदों को चुनेंगे तो हमें एक विशेष गेंद के बारे में बाहर छूने से पता नहीं चलेगा उसमें कुछ और चिन्हित होगा जिसके लिए हम उसको विशेष बोल रहे हैं तो कोई भी गेंद जो हांडी में है चूंकि हांडी में एन गेंदे हैं तो उसके आई वी गेंद मतलब विशेष गेंद होने की प्राय प्रायिकता जो होगी और वो बराबर होगी क्योंकि हांडी में एन गेंदे हैं तो उसकी प्रायिकता का मान हम लिख सकते हैं एक भागा एन जहाँ की एन कुल गेंदों की संभावना है और कोई एक विशेष गेंद आई वी होने के लिए के, केवल चूंकि एक ही विशेष गेंद है तो वह उसके लिए हमारे जो अनुकूल जो घटनाएं हैं वो केवल एक है तो एक बटा एन होगी उस घटना की कि आईवी गेंद के रूप में विशेष गेंद चुनी जाती है अब के गेंदों का कोई भी एक विशेष गेंद चुने जाने की घटनाएं, जो कि हमने के गेंदों को अलग अलग स्थानों पर चुनना है ये सारे चुने जाने की घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं अगर के गेंद चूँकि एक ही के विशेष गेंद है तो अगर उसका चुनाव अगर पहले स्थान पे हो सकता तो वो दूसरे पे नहीं आ सकती उस चुनाव में इसी तरह अगर वो तीसरे पे आती है तो पहले से दूसरा और अन्य अन्य स्थान पे वो नहीं आ सकती इसलिए ये अपवर्जी है इस ज्ञान का हम इस्तेमाल करते हुए यह लिख सकते हैं कि विशेष गेंद के चुने जाने की प्रायिकता होगी प्रायिकता उन घटनाओं के सम्मिलन के घटनाओं के सम्मेलन जिनमें कि विशेष गेंद आई वे स्थान पर चुनी जाती है जहाँ की आई का मान एक से शुरू होकर के तक जाता है चूँकि यह घटनाएँ ए आई वो ये सब के ए आई घटनाएँ परस्पर अपवर्जी हैं तो हम उनको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये यह प्रायिकता ये, ये, ये सम्मेलन की प्रायिकता है किसी एक घटना के होने की प्रायिकताओं जबकि एक कोई घटना कोई एक घटना मन आई स्थान पर विशेष गेंद ली जाती है से पहले दूसरे वो घटना खुद होती हो केवल होती है उसकी प्रायिकता का मान हमने एक बटा एन पहले ही निकाल रखा है तो इनके इन सारी प्रायिकताओं के योग चूँकि ये सारी प्रायिकता यहाँ बराबर हैं जिनका की मान ए एक बटा एन है चूँकि के घटनाओं का योग है इसलिए यह प्रायिकता का मान के भागा एन होगा तो इस तरह हम इस प्रायिकता को निकाल सकते हैं लेकिन इस प्रायिकता को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जिसमें कि हम गेंदों के चुनाव के विन्यास को ध्यान रखते हुए हम संख्याओं की गणना करके भी निकाल सकते हैं तो एक दूसरा तरीका है चूँकि सभी गेंदे एक समान तरीके से व्यवहार में लाई जाती हैं अतः चुना हुआ के गेंदों का कोई भी समूह समसंभावी होगा के गेंदों के कुल संभावित एन सी के समूह में क्योंकि हांडी में एन गेंदे हैं और के गेंदों का हमने उसमें चुनाव किया है तो विभिन्न चुनाव के विन्यास जो होंगे उनकी संख्या हम एन सी के से कर सकते हैं कोई एक चुनना उनमें से कोई एक घटना होगी और चूंकि सारी घटनाएं चूंकि बराबर हैं इसलिए उनकी प्रायिकता भी बराबर होगी या समसंभावी होंगी तो ये सारी घटनाएं है समसंभावी हैं और इन गेंदों में से के गेंदों को चुनने की हमने संभावनाएँ की गणना कर ली है अतः हम विशेष गेंद के चुने जाने की प्रायिकता को निम्न प्रकार भी गणित कर सकते हैं कैसे हम निकालें कि वो अनुकूल संभावनाएं क्या हैं जबकि विशेष गेंद चुनी जाएगी तो हमको के गेंदे चुनना है तो हम के गेंदों में से एक विशेष गेंद चुनना चाहते हैं हांडी में केवल एक ही विशेष गेंद है तो उसको चुनने के प्रकार वन सी वन या जो कि एक ही होगा इसका मान एक ही निकल के आएगा को ये ही होगा वो हो गया और बाकी बची अभी k -1 के माइनस वन एक गेंद हमने निकाल ली है यही अनुकूल है कि हमें विशेष गेंद को चुनाव करना है तो उसको चुनने के तो एक ही तरीके हैं कि वो एक ही गेंद है और बाकी बची हुई k माइनस वन गेंदों को हम उस एक विशेष गेंद को निकालने के बाद हांडी के अंदर n माइनस वन गेंदे बचेंगी तो उनमें से निकालने के प्रकार की गणना हम कर सकते हैं एन माइनस सी के माइनस वन में ये सारे प्रकार हैं अनुकूल प्रकार हैं जब हमने के गेंद को चुना है और उसके साथ बाकी बची हुई के माइनस वन गेंदों को खांडी में पड़ी हुई बाकी गेंदों में के बीच में से चुना है और हमें ये पता है ही है कि अगर हांडी में से हमें के गेंदे निकालनी हैं और हम विशेष गेंद की अगर चिंता ना करें तो हमारे पास एन गेंदे हैं तो एन गेंदों में से के गेंद चूज करने के विभिन्न प्रकार संभावनाएं एन सी के होती हैं तो इन दोनों का अगर हम कुल संभावित घटनाओं जो कि यहाँ पे इसमें प्रायिकता यहाँ पे समिष्ट की से है प्रतिदर्शी समिष्ट को दर्शाता है से भाग देते हैं तो इस भाग का से भी हम प्रायिकता निकाल सकते हैं इन अंशांक और इस भाजांक का अगर हम सरलीकरण करें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका मान पुनः के भागा एन ही आएगा सो यह दो तरीके हैं एक हम मानते हैं कि वो सारी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और दूसरा तरीका इस बात पे, एक पे निर्भर है कि हम यानी विन्यासों की गणना कर रहे हैं कि कितने अनुकूल तरीके हैं और कितने कुल तरीके हैं किसी भी प्रयोग में उन दोनों की गणना के माध्यम से हम प्रायिकता को गणित कर सकते हैं